मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है तो ये मेरे लिए खाना बना रही है। Hey guys, welcome back to my channel. So guys, actually क्या है, सो मैं इसकी तबीयत ख़राब हो, उसकी आँख की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, देख सकते हैं पूरी आँख रेड रेड हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बिकॉज अब उसको दिखाएंगे क्या कहते हैं तभी पता चलेगा। तो मैंने इसे जनकपुरी बुलाया, तो जनकपुरी में एक डॉक्टर है तो उन्हीं के पास जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइज, उसकी आँख में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और कम से कम ये 3-4 दिन से हो रही है। नहीं, नहीं, हाँ, दो तीन दिन तो हो गया, दो दिन से तो इतनी नॉर्मल थी, हाँ, पता ही नहीं चला था। वो इसमें ऐसा लग रहा है, कोई यहाँ पर तो ना इसे कुछ मतलब काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मैंने इसे बोला कि तुम जनकपुरी आओ, जनकपुरी में एक डॉक्टर है बहुत अच्छे, जो मतलब आँखों के ही है, क्योंकि मेरे पापा की भी प्रॉब्लम हुई थी आँख में, तो बहुत जल्दी रिकवर हो गए थे वो 2 दिन में ही, तो फिर अपॉइंटमेंट ले रखी है तो वहीं जा रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं गाइस, बाय। क्या बताते फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। गाइस देख सकते हैं इसकी हालत कितनी बुरी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है। तो अब चल रहे हैं डॉक्टर के पास, रिक्शा ले लिया हमने, और पवन ने समझा दिया कैसे कैसे जाना है रिक्शे वाले को, तो वहीं जाने के बाद मिलते हैं डॉक्टर। आई थिंक 4:30 तक बैठेंगे, तब तक हम पहुँच जाएंगे, है ना। और पवन का फ्रेंड ही है ना, तो उन्होंने बोला कि आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मिलते हैं। तो गाइस आ गए हैं मनोचा आई केयर पर, देख सकते हैं डॉक्टर रवि मनोचा, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, अंदर जाते हैं, चले हाँ चल। ठीक हो तुम, आइए बंद हो जाए, जो पत्थर जब निकल जाए ना तब सुकून मिलेगा, अभी सुकून नहीं है। तो गाइस ये क्लिनिक है, देख सकते हैं अभी आना हुआ तो फिर सो गाइस अभी इसकी आंखों का टेस्ट हो रहा है, देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो अभी मुझे पता चला, डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी आँख में ना इन्फेक्शन हो गया है, तो पत्थर गया, पत्थर नहीं गया, इन्फेक्शन हो गया था इसकी आँख में। तो अभी फिर ड्रॉप ड्रॉप दिए, पूरा चेक किया है, तो आपने देख ही लिया होगा, आपके सामने ही किया है। तो बाकी आप है ना प्रे करो कि जल्दी से ये रिकवर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा से प्रॉब्लम हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं, इसको मैं घर के लिए बाय करूँगी, और या तो मैं इसे घर छोड़ के आऊँगी, ठीक है। बाकी जो भी होगा बाद में दिखाऊंगी। इसको पपीता बोलते हैं, देख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है यार, क्या बोलते हैं, सारे नाम मैंने बाकी सब्जियों के तो नाम सही बताए ना, बताएं इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं, भैया क्या बताया था इसका नाम, इसका क्या नाम, सीताफल, तुम तो पपीता बोल लेते, सीताफल कहते हैं, ऐसे बोलते हैं लौकी, ठीक है, ये लौकी है, हाँ लौकी है, इसे इसे लौकी बोलते हैं, इसे भिंडी, ये भिंडी, ये लौकी है, ये लौकी है, नहीं नहीं कद्दू कद्दू, अच्छा ये कद्दू है, तुम बुद्धि कमजोर हो गया, ये कद्दू नहीं है, तो अच्छा। दिमाग है या कोई बेइज्जती आए, इसको कद्दू बोल रही है, पागल हो गया सच में, और घर वाले उसे खाते नहीं, इसके घर वाले से शायद मंडी भी नहीं भेजते होंगे सब्जी वब्जी लेने के लिए। ये क्या है, ये अदरक है, ये अदरक है, ये अदरक है, ये खीरा है, ये टमाटर है, अच्छा तो मैं भेजिए इसको, पहले ये बताओ, अरे भगवान, चलो ये बताओ, ये खरबूजा है ना, खरबूजा,
ये क्या है ये, इसका बताओ। ये बताइए क्या है? कुंगरू, कुंगरू, कुंगरू है ये, कुंगरू। ये बांकला भी बोलते हैं ना? बांकला है। होता तो बांकला भी ऐसा ही है ना, हल्का छोटा होता है, हल्का छोटा होता है। इसका बताना। ये आमला है? नहीं, टिंडा है। क्या है? टिंडा, 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 टिंडा है। ये वाली नहीं पता मुझे। बड़ी है ये, ग्वार की फली है वो। हे गाइस, तो अभी मैं फाइनली सुमेश के घर पे आ गई हूँ। तो मैंने सोचा सुमेश की तबीयत खराब है तो उसके लिए कुछ बना हूँ, तो अभी मैं कुछ बना रही हूँ। यार देखो, सना अभी अपनी नहीं गई है, थोड़ी देर में जाएगी। ये मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है तो ये मेरे लिए खाना बना रही है। क्या बना रही हो? इतनी रोटी किसके लिए बना रही हो? इतनी रोटी किसके लिए बना रही हो? तुम्हारे लिए। दो रोटी खाऊंगा तो बाकी का क्या करोगी? तुम्हें आटे घर ले जाना अपने से, ले जाओगी फिर तुम खा लोगी इतना? देख सकते हो सना ने कितनी गोल रोटी बनाई है। ये वाली रोटी जैसी आती है वैसी नहीं, अच्छा तो बनाती हो, कितना बढ़िया बढ़िया बना रही। ये देखो भाई, पहली बार रोटी खुली है। अब तुम भी रोटी खिला लेते हो सना? किसने सिखाया था? मैंने। देखो भाई, रोटी भी खिलाना मैंने सिखाया इसको। कर दो बन? तो भाई चलो ठीक है, रोटी बन गई है, अब खाते हैं और मिलते हैं। देखो सना ने खाना रेडी कर लिया है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने बहुत ही यम्मी यम्मी खाना बनाया है खुद अपने हाथों से, है ना सुमित? कैसा लगा? क्या बनाया तुमने? ये मैंने बैंगन का भरता बनाया और ये अचार बनाया और ये रोटी। अचार बनाती हो तुम? नहीं, लेकर आई हूं। अच्छा अच्छा, और फिर मैं आपको बताती हूं कैसा बना है। तुम खाओ ना, तुम ही खा लो, मैं रहने देता हूं। मैं खा के दिखाती हूं। ये लो, तुम खा पहले। खाओ खाओ। अच्छा। फिर मिलते हैं। और गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूं। बाकी ब्लॉग का चैनल ब्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। बाय गाइस, चलो खाते हैं। देखो यार, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी आँख में मेरी, मतलब गंदे हाथ लग गए थे, उसी से इन्फेक्शन हो गया। मैं कहीं बाहर गया था तो गाड़ी को कवर कर रहा था, उसी मुझे लगता तभी मेरे हाथ लग गए थे। और इतनी सारी दवाई आ गई, बड़ी मुश्किल से आज जाके फ़ायदा हुआ था। डॉक्टर को जब मैं दिखा गया हूँ, ये दवाइयाँ डाल रही हैं, उसमें सिंगोली ली है, ये पहले लाया था, फिर उसके बाद ये दोनों लेके आया। ये तीनों बहुत महंगी आई हैं और ये भी काफ़ी महंगी है। यही सब है, इतना देख सकते हो सना कुछ कर रही है। इधर इधर पुनीस कुछ लगा हुआ है। क्या कर रहे हो पुनीस? देखो ये बंदा दो दो सिस्टम यूज करता है, पूरे SCL को मैनेज करके चल रहा है बंदा। नहीं नहीं, तो वैसे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, लाइव नहीं। तो पुनीस कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स के लिए, कुछ मोटिवेशन स्पीक इस बारे में? अब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मतलब क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे कंधों पर देश का भार आए तो ज्यादा बड़ा सोच लिया उठाने के लिए सक्षम रहूँ। देश के लिए क्या करना चाहते हो, क्या करके मिट जाना चाहते हो? सादा जीवन, उच्च विचार, क्या बात है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइस बस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है सना? तुम निकलो, हैं, चलो बाय करो एक बार। बाय बाय।